सारे शब्द वरतने हैं कि असि सिजदा करने हैं, पर उन्हना महान शहीदा नू कौम याद करेगी, ना कोई दीवार बनाए ना कोई तस्वीर लाए। चेते रखो लोग एक तस्वीर तो रौला पांदे सन, बाबा जरनैल सिंह दी तस्वीर हर नौजवान दे सीने उते उकरी गई, उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। वो महान शहीद एक ड्राइवर गड्डी चला रहे है, जो हालात बने हुए ने उहदे केस कोई नहीं, पर उन्हें अपने ट्रक के शीशे उत्ते भी बाबा जरनैल सिंह की तस्वीर लाई है। उस वेले किन्ने धर्म के आगू सन, खिमा करो अपने विच्चों कई सन जेड़े उस वेले अगवाई करते सन, उन्हां दी तस्वीर किसे ने लाई? बाबा जरनैल सिंह दियां तस्वीरां वेकरियां ने, बाबा जरनैल सिंह दे तस्वीरां दे कपड़े वेक रहे ने, बाबा जरनैल सिंह दे स्टिकर लोग लै रहे ने, दूजियां दे क्यों नहीं? क्योंकि जेड़े जिउंदे वेक जांदे ने उहनां दियां तस्वीरां कदे नहीं वेकदियां, जेड़े शहादत दा जाम पींदे ने उहनां दे नां ते कपड़े वी वेचदे हुंदे। उस महान महापुरख ने जिउंदे जी कोई समझौता नहीं कीता, जो शब्द अपनी जबान तो कहा सच्चाई है, वे सूर वीर बचन के बली ने वो शब्द सच करके दिखाए। जो ना कहा शहादत दा जाम पीता, पर चेते रखियो दमदमी टकसाल दे इतिहास वो जो लिखे, बाकी भाई साहब जानेंगे, 101 पाठ महापुरख जपजी साहब दा हल वांदिया करदे सन। इन्नी वड्डी बंदगी खोवे तां शहादत हुंदी है, यह तो फिर गुरु कृपा करे इना जप इना तप इनी बंदगी, फिर अपने गुरु लई इना अकीदा इना भरोसा। लोकी भावे पढ़े लिखे कहिंदे सन, पांच जमातां पढ़े चार जमातां पढ़े, उत्थे पीएचडी करन वालियां दे भी सिर झुक जांदे सन, क्योंकि उत्थे बंदगी बोलदी है, सिमरन बोलदा है। उस महान महापुरश नूं अज आपां सारिआं ने शहादत दे सुमन भेट कीते ने, पर एक मैं बेनती सिर्फ तुहाडे चरणां च करनी है, अखीर एक उदाहरण दे के वक्ती तौर ते जिहड़े अज दशम दी गल चली, संत बाबा जरनैल सिंह जी दी बचित्र नाटक दी कथा है सुनी आपां, संत बाबा जरनैल सिंह उहनां दी जाप साहिब दी कथा है। वह बैनर बाबा जरनैल सिंह दा लांदे ने, जिस नूं मंनदे पए ने उहदे ते अकीदा भी करन, वह दशम की बाणी नूं अपने सीने तो प्यार करदा सी। दशम की बाणी पढ़न वाला ही शहीद होया, किहड़ा विद्वान उत्थे मारिया गया, किहड़ा लैक्चर करन वाला कथावाचक उत्थे मरिया, खिमा करियो। ते मैं सिर्फ एक सुपना है, उदों भी ये लोग जिउंदे सन 26 साल पहलां, उदों पता सी कि बापू डांग वाला बैठा, किसी की जरूरत नहीं सी वो बोल सके, खिमा करे उदो बोले नहीं, उदो डांग सी। अज असी हाथ जोड़ के कहिए भी सैमीनार ले मन जान के, बिल्कुल नहीं। अपने गुरु ते पूर्ण यकीन करिए, ते तोपां गोलियां टैंक ये कौम कदी खत्म नहीं कर सकते, खत्म होनी भी नहीं, ये साडे भुलेखा है। जे अकाल पुरख जुगो जुगो टल है, ते जिहड़ा सेनापति अटल उहदी फौज मर जो, खालसा अकाल पुरख की फौज है। बस एक थोड़ा जा खेद जरूर हुंदा कि रुख हनेरी चल रही है, वो डेगण दा यतन कर दी है हनेरी। मैं सिर्फ समाप्ति कर लगा, वो कई बारी विचकारों टुट जांदा है, फिर वो पुंगर आउंदा है, कई बारी उहदी जड़ खेलदी है, वो डिगदा डिगदा फिर खलो जांदा है, कई बारी पानी उहदियां टाहणियां शाखावां नूं रोड़दे ने, वो फिर खलो जांदा है। पर एक सज्जन ने लिखे है कि खनेरियां दा मुकाबला करन वाला, पानियां दा मुकाबला करन वाला, आफतां दा मुकाबला करन वाला, जदों उहनूं छोटे जै लोहे दे कुहाड़े नाल वार कीता ते रुख दे तने विचों पानी आ गया। सिर मैं बेनती मेरी सारी तुसीं समझ जाओगे, जिहड़े 84 भुलाण दी गल वी कहिंदे आ, ते मैं बेनती करांगा प्रधान साहिब जी नूं कि कृपा करो भुलाण दी गल करदे आ तुसीं अकाल तख्त दे नेड़े यादगार बना दिओ, कहना सौखा है। जे बाबा गुरबख्श सिंह शहीद दा भूंगा कायम हो सकता है, ते संत बाबा जरनैल सिंह दी याद क्यों नहीं बन सकती उत्थे।
क्योंकि आपां दूजे नूं गल करनी बड़ी सौखी है। ओ रुख ने हर एक दा मुकाबला कीता, खनेरी दा पानी दा, पर जदों कुहाड़ा वज्जा थोड़ा जिहा उहदे विचों पानी सिंभाया। उहनां कहा रुख तू तां मुद्दतां तों आफतां दा मुकाबला करदा रहा, तू डिगदा डिगदा भी पुंगर गया, अज निक्का जिहा लोहे दा कुहाड़ा वज्जा ते तेरे विचों पानी सिंभाया, कि इस लोहे दे टुकड़े तों घबरा गया। वह कहिंदा सच्चाई ए वे मैनू लोहे दे कुहाड़े दा वेख के कोई डर नहीं, दुख इस करके लगा मेरी लकड़ दा बना दस्ता कुहाड़े विच पै के मैनू वड़न आ गया। बस एक गल चेते रखियो, किते लोक दस्ते ता नहीं बन गए। अकली तो पावे, अकली कोई खोर चीज आवे ओदी कोई परवाह नहीं, पर चेते रखियो जदों उसे गुरु दा अमृत पान करके ते कृपाण पा के कुहाड़े दा दस्ता बन के उसे गुरु ते वार करदे ने, बस दस्ते दा अफसोस है, सानू कुहाड़े दा कोई अफसोस नहीं। सतगुरु कृपा करे उस महान जरनैल नू आप जी ने याद कीता है। ते अज भी मैं सुबह एक परिवार विच दिल्ली बकायदा अरदास करके आया, हर सिख दा फर्ज बनदा है को इन्हां दिनां विच अपने घर विच देग बना के जे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश है अरदास करे, सहज पाठ करे। पर किन्ने कु गुरुद्वारिया ने अज आ दिन मनाया है, तुसी देखो वक्ती तौर ते सी डर रहे हां, क्योंकि हो सकदा है कि जिन्हां नाल साडा संबंध है अगे टिकटां मिलदियां नहीं, शायद उन्हां नूं पता लग गया इन्हां बाबा जरनैल सिंह नूं याद कीता ते उह हाथ ना खिंच लैण। यह डर है कि साडे सरकारे दरबारे काम हुंदे ने उह ना रुक जाण। प्यारिओ चेते रखो तुसी गुरुद्वारिया च नहीं मनाओगे, आ जिहड़े नौजवान बैठे ने कल नूं इह जरूर गुरुद्वारिया च मनाण। सतगुरु कृपा करे इन्हां महान शहीदां नूं असी शरदा दे फुल सिर्फ बाणी नाल भावना नाल, पर जो बाबा जरनैल सिंह उन्हां ने कहा इत्थे गल नहीं मुकी, अजे यह तां गल शुरू होई। अजे जदों आदमी पहाड़ ते चढ़दा है कई वारी निवाण भी आउंदी है, पर निवाण का अर्थ यह नहीं कि वह डिग पिया है। एक विद्वान ने कहा शहीद डिगदा है उहदा मतलब यह नहीं कि डिगण का अर्थ खत्म हो गया, वह डिगदा है कौम नूं उठाण लई, वह मरदा है कौम नूं जिवाण लई, वह सौंदा है कौम नूं जगाण दे लई। असी उस ढलाई नूं मत समझिए कि सफर रुक गया है, धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे उस महान शहीदां नूं जिन्हां विच पता नहीं किन्ने कु गुमनाम शहीद ने। अज मैं पढ़ रहा सा कि अखी दिठे खाल विचों ट्रकां दे ट्रक भर के लाशां दे जांदे पए ने, किसे सिख दे केस बाहर ट्रक तो ने, किसे दियां लत्तां ट्रक तो बाहर ने। इथों तक कि एक डॉक्टर दा बयान सी कि जदों पोस्टमार्टम कर रहे ने ते एक सिंह जिहदा पोस्टमार्टम करली लिहांदा गया उहदे सवास चल रहे सन, डॉक्टर ने कह दिता है जिंदा है, कोल फौजी खलोते ने गोली मारी, कह लगा तू अपना काम करे जिंदा नहीं। बच्चियां नूं सरोवर भी सटिया गया, उन्हां नूं कोह कोह के शहीद किया गया। सतगुरु कृपा करे ये नौजवान वीर जो दिन मना रहे ने इनू ना जज्बात ते ना आकीपन समझना, ना यह समझना कि केवल आपां गल्लां नाल शहादत सच्चाई वाली उह सदीव कार लई रहिंदी है, ते जिहड़ा शहीद हुंदा उहदी जिंदगी भी कुछ होर हुंदी है। एक दिन आप जी ने कहा सी बाबा जरनैल सिंह उहनां दा बचन, कहन लगे जदों खप्पण सिर ते बन लईए फिर नेड़े कोई भी नहीं टुकदा हुंदा। उर्दू दे विद्वान ने कहा जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खलोना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना तख्तों ना ताज ना खूरों की खसरत है, खुदा भी खुदाई दे तो वो मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात वो मौत भी हयात है। शायद इस मुल्क नूं भुल गया, मैं समाप्ति कर लगा। कहन लगे गुलशतां को जब खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन कटाई हमने, अब बहार आई ये अहले चमन कहते हैं, चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। सतगुरु कृपा करे सानू उन्हां नूं याद करन दी तौफीक ही बख्श देवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।